इतनी बड़ी खबर की प्रदेश में कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कुल 25 एक्टिव केस पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 257 सैंपल लिए गए जिनमें 5 और कोविड पॉजिटिव मिले हैं। तो लगातार जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों को भी पूरी तरीके से हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहने को लेकर निर्देशित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 5 और एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। 257 लोगों के सैंपल लिए गए जिनमें 5 कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद से ही प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग भी सख्ते में है। लगातार इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन वाले बेड तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही साथ मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए इसे लेकर भी खास इंतजाम अस्पतालों में लगातार किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये नहीं पता चल सका है कि क्या ये जो कोविड पॉजिटिव हैं वो नए वेरिएंट से पॉजिटिव हुए हैं या फिर इससे पहले जो वेरिएंट था उससे पॉजिटिव हैं, लेकिन 5 और मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है कोविड पॉजिटिव मरीजों का प्रदेश में वो 25 तक जा पहुंचा है। और दीपावली स्नेह मिलन समारोह चल रहा है। ब्राह्मण समाज की ओर से मानसरोवर के आनंद महल गार्डन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है जहां पर खुद राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद हैं। मंच पर उन्हें आप देख सकते हैं और संबोधन कर रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस स्नेह सम्मेलन में, स्नेह मिलन सम्मेलन में आए हुए मंच पर उपस्थित महंत कैलाश शर्मा जी, यहां जयपुर के सांसद श्रीमान रामचरण बोहरा जी, विधायक श्रीमान गोपाल शर्मा जी, विधायक श्रीमान प्रशांत शर्मा जी, इधर पंक्ति में बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, यहां आए हुए सभी हमारी मातृशक्ति, सभी गणमान्य जन, नौजवान मित्रों, पत्रकार बंधुओं, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों